तो मैं बिल्कुल पैंगोंग लेक के किनारे बैठा था, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था। हम पहुंच चुके थे पैंगोंग लेक। तो अभी था मैं यहाँ पे पैंगोंग लेक पे थ्री इडियट पॉइंट पे, और यहाँ पे हमने कॉल की अपने घर को। लैंडलाइन फ़ोन यहाँ पे लगा रखा था इन्होंने, काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अपनी सिम वगैरह यहाँ पे नहीं चल रही है बिल्कुल भी। और ये देखो, ये था थ्री इडियट पॉइंट। ये ऑल इज वेल। चलो, ये है डुरबुक की मार्केट और यहाँ से ले लेंगे हम राइट। और ये वाला ऊपर वाला जो रोड है ना, खरू से आया था चांगला पास होके, और ये है यहाँ से लेंगे हम नुब्रा के लिए। तो यहाँ पे अपने बंधु मिले हैं, एक बाइकर बंधु, इनकी थोड़ी हेल्प की जाए। चलो भैया चलो, खिंचना है एक मिनट को, चलो जय बोले। हाय चलो, अरे बाबा सांस चढ़ा दिया। तो यहाँ पे रुके थे रात को हम होम स्टे में, ये अपना होम स्टे था। और ये देखें आप, यहाँ पे सब अपने बाबा लोग रेडी हो रहे हैं, ये देखो। और बिल्कुल यहाँ से बाहर ही ना, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से बिल्कुल बाहर ही पैंगोंग लेक एकदम, यहीं से आपको व्यू, ये देखो वो है पैंगोंग लेक सामने बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में, जो कि होने वाला है पैंगोंग लेक से निकलेंगे हम नुब्रा की तरफ। और आज डे 5 है हमारी इस राइड का, लद्दाख राइड का। तो बस निकलेंगे थोड़ी देर में रेडी होने के बाद। तो चलो तभी। तो फाइनली गाइस रेडी हो चुके हैं, और झूले बाय बाय। तो अभी था मैं यहाँ पे पैंगोंग लेक पे थ्री इडियट पॉइंट पे, और ये देखो ये था थ्री इडियट पॉइंट। ये ऑल इज वेल। तो फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से थ्री इडियट पॉइंट से पैंगोंग लेक के, और बढ़ेंगे अभी नुब्रा की तरफ और चलते हैं आप वापस। तो करूँगा बीच बीच में, दिखाता हूँ आपको कुछ बेहतरीन शॉट। अभी चढ़ लेते हैं ऊपर, क्योंकि आप ऑफ रोड देख रहे हैं ना, पूरा फोकस करके चलना पड़ता है, एकदम टायर स्किट करता है इन गिट्टों के ऊपर। ये जो पत्थर है ना, हाँ वहाँ तक जाके आए ना पूरे गैजेट के साथ, सांस फूल गई। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, एकदम से जलाने वाली। और वो देखो मून दिख रहा होगा अगर आपको, तो ले में ना आपको सूरज और चांद दोनों एक साथ देखने को मिल जाएंगे। वो ऊपर पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, पर मैं मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ देख रहा हूँ, सूरज को भी चांद को भी। तो आप समझ सकते हैं, बहुत ही गजब का अनुभव फील कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अभी ऊपर, तब वाह निहारते ही बनती हैं ये वादियाँ, गजब। फिर थोड़ा डेंजरस वाला पॉइंट आ चुका है। लो फाइनली मिल चुके हैं हम अपने जो रोड है दुर्बुक जाएगा, जहाँ से हम नुब्रा के लिए टर्न करेंगे। और वाह रियली लव दिस पॉइंट पैंगोंग लेक, मज़ा आ गया, फुल पैसा वसूल है एकदम से। तो मेरी आंखों से आपने भी देखा पैंगोंग लेक का ये नज़ारा, और अभी निकलेंगे हम आगे नुब्रा के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करते हैं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी देख सकें, और जो भी नए फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अभी इसके बाद और भी ज़्यादा वीडियो आने वाली है लद्दाख राइड की। हम मिल के एक्सप्लोर करेंगे, पूरा थ्रिल करेंगे, एडवेंचर करेंगे। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखो पैंगोंग लेक का असली कलर, इस साइड से आप देख पा रहे होंगे ये ब्लूइश है पूरा का पूरा, और वहाँ से देख पा रहे होंगे तो वो रेडिश कलर आ रहा है हल्का हल्का सा, देख पा रहे हैं। यही तो है पैंगोंग की। और इधर से हल्का हल्का बिल्कुल, यहाँ से पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये वाला एरिया हल्का हल्का ग्रीन है, तो डिफरेंट कलर वाह क्या नज़ारा लग रहा है इस टाइम लेक का। ये देखो आप, ये वाओ गजब है ना ब्यूटी, गजब की लोकेशन, एकदम सुपर्ब, एकदम सूखे। और ये रेत देखो आप, रेत यहाँ पे ना बिल्कुल ये रेतीले मैदान है, एकदम रेतीले कोल्ड डेजर्ट, और बीच में ये हरे हरे जो छोटे छोटे घास के मैदान आते हैं ना, ये आप सामने देख पा रहे हैं, एकदम से बढ़िया वाला वो व्यू वाह देते हैं एकदम से। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू वाह, क्योंकि ये सारा जो पहाड़ों का पानी है ना, वो रिस के जो ऊपर स्नो आप देख रहे हैं ना, वो ऊपर स्नो जो है वो सारा रिस के नीचे आ जाता है मैदानों में, और यहाँ पे हल्की हल्की घास और ये लैंड देखे वाह वाह। इसको देख के ना, ऐसी जो लोकेशंस होती है ना, उनको देख के ना दिल बाग बाग हो जाता है। वाह मज़ा आ गया भाई व्यू देख के। तो खूबसूरत, एकदम से खूबसूरत। तो यहाँ पीछे आपने देखा बिल्कुल जो मैदान था एकदम रेतीला मैदान था, और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, और हर 5 किलोमीटर के बाद ना जो ब्यूटी है ना यहाँ लद्दाख की, वो एकदम से चेंज हो जाती है एकदम से। यहाँ देखो बड़े बड़े पत्थर, तो ये है तंगजक्स्टे, पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही। रात को जो पिछला ब्लॉग था, अगर आपने वो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम दुर्बुक टू पेंगोंग लेक जा रहे थे, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये बहुत ही सुंदर सा गांव था बीच में तंगजक्स्टे। मैं भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसके लिए माफ़ करना, बट अभी हम फिर से पहुंच चुके हैं तंगजक्स्टे गांव में, जो कि एक बहुत ही सुंदर सा गांव है पहाड़ों के बीच बसा हुआ। और ये देखें आप नज़ारा इस गांव का तंगजक्स्टे। और यहाँ से अब चलेंगे हम आगे दुर्बुक की तरफ, दुर्बुक नहीं सॉरी, फिर से नाम थोड़े प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, दुर्बुक की तरफ। और ये दुर्बुक ये वाला रास्ता चल जाता है पेंगोंग के लिए, और हम लेंगे दुर्बुक से नुब्रा वैली के लिए। तो बढ़ते हैं आगे इन खूबसूरत लद्दाख के इन व्यूज़ के साथ। डोडू डोडू डोडोड़िए वे गडरिए, व्यू बड़े सोहने लगदे। दुर्बुक कहाँ से है? दुर्बुक आगे है भैया यहाँ से 2-3 किलोमीटर। हाँ चलो, मैं भी दुर्बुक जा रहा हूँ। हाँ हाँ चलो आ जाओ। दुर्बुक 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 बो 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 बो, चलो चलो चलो। तो ये है दुर्बुक की मार्केट, और यहाँ से ले लेंगे हम राइट। और ये वाला ऊपर वाला जो रोड है ना, खरू से आया था चांगला पास होके, और ये है यहाँ से लेंगे हम नुब्रा के लिए। दुर्बुक, वेलकम टू दुर्बुक। सामने आप देख पा रहे होंगे वर्ल्ड हाईएस्ट BRTF। नुब्रा से दुर्बुक के बीच में बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला है, क्योंकि ये जो मोस्ट विजिटिंग वैली है ना नुब्रा हुंडर, तो वहीं अभी हम जा रहे हैं लद्दाख की जो नुब्रा वैली है उसको एक्सप्लोर करेंगे आप सब और हम मिल के, एकदम तबाही वाली। अरे बाप रे बाप, खतरनाक रे बाबा। अगर आप भी लद्दाख प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जो हमने सर्कल लिया है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, गाइड भी कर देता हूँ, इन व्यू को भी आप इंजॉय करो साथ साथ में। तो आप नुब्रा आ सकते हो सीधे। देखो हमने जब हम गए थे हमने पांग में स्टे करा था। आप पांग में जनरली सजेस्ट नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी बता रखा था। तो फिर उसके बाद हम आए तालांगला, तालांगला से नीचे आए हम खारू, और खारू से ले लिया था हमने पेंगोंग वाला जो रोड है। और पेंगोंग जाके अभी आप जैसे कि हम आपने इस वीडियो में देखा हम पेंगोंग में थे, और पेंगोंग से ही वापस डुरबुक आए, और डुरबुक आके हमने नुब्रा वाला ये रास्ता ले लिया है। तो नुब्रा से फिर हम खारदुंगला होते हुए ले पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा सर्किट हो जाएगा यार, नहीं तो आपको सेम रूट वहीं से आना वहीं से जाना रहेगा। तो थोड़ा मैंने सोचा आप सबके लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो बस यही था। और ये रोड ना थोड़ा सिंगल है नुब्रा वाला, जो कि आप देख पा रहे हैं एकदम से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो चलो फिर बढ़ते हैं अब नुब्रा की तरफ। तो यहाँ पे अपने बंधु मिले हैं, एक बाइकर बंधु, इनकी थोड़ी हेल्प की जाए। चलो भैया चलो, खींचना है एक मिनट को, चलो जा बोले। हाय चलो, अरे बाबा सांस चढ़ा दिया। आराम से आराम से आराम से, मिट्टी है, उतर जाओ। खा एक ही इसमें चढ़ा देना, एक ही बार में चढ़ा देना। बीच बीच में काम चल रहा है इस रोड का, ये आप देख रहे हैं। तो वही बता रहे थे कि हमें दोपहर से पहले पहले ना ये वाला रोड क्रॉस कर लेना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वाह, हेरे नुब्रा वैली के नज़ारे बड़े हैं। अरे बाबा थोड़ा सांस भर लेता हूँ मैं ज़रा, थक गया था वहाँ तक कर गा के बहुत। फिर करता हूँ आपसे बातें। कम ऑन ब्रो कम ऑन। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सा स्टेशन श्योक। वाह। तो यहाँ पे ट्री ब्रेक लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, क्योंकि पेंगोंग से जब से चले हैं ना हम रुके नहीं हैं। एक दूसरे का हौसला अफजाई करने में जो मज़ा आता है ना, क्योंकि वो नुब्रा से आ रहे हैं, हम नुब्रा जा रहे हैं, और बट हैं सारे के सारे लद्दाखी भाई बंधु अपने जो लद्दाख कर रहे हैं। ओह क्या गजब का स्टेशन है श्योक। तो वाह एकदम लद्दाख में ना, मैंने जैसे आपको बताया कि हर 5-10 किलोमीटर के बाद ना एक ब्यूटी चेंज हो जाती है पूरी। वो आप देखें यहाँ नेचर की ब्यूटी, वाह गजब। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं श्योक विलेज, और मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी हरियाली है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बड़े बड़े रेतीले माउंटेन्स के बीच ना ये हरी हरी हरियाली, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं बट जो भी हैं अच्छा लग रहा है देखने को। और यहाँ पे लेंगे टी ब्रेक, लंच टाइम भी हो चुका है। तो अभी पहुँच चुके थे हम श्योग और यह है रिफ्रेश पॉइंट रेस्टोरेंट, तो यहीं चलते हैं अभी अंदर। तो फाइनली अपन पहुंच चुके थे अभी श्योग में और हम आए थे सुबह पैंगोंग से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी पहले ही। तो डुरबुक से हम निकल आए थे आगे क्योंकि बीच में रोड का काम चला था, देखा आपने। और अभी पहुंच चुके हैं श्योग, यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा, क्या लेंगे, लंच लेंगे ना, फुल लंच लेंगे फुल, और फिर निकल जाएंगे नुब्रा के लिए। और हालत अपनी देखो ना, थोड़ी लग रहा हूँ आदमी हूँ क्या। चलो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी करते हैं लंच। तो फाइनली लंच हमारा कंप्लीट हो चुका है और निकल रहे हैं अब आगे नुब्रा की तरफ श्योग से। तो फाइनली यहाँ पे लंच किया हमने श्योग में और काफ़ी खूबसूरत सा स्टेशन था। अरे ये चेक पोस्ट श्योग की, यह लद्दाख का मच ओ यार आए नहीं है, जय नरकी जय जय बैठे नरकी जय वाले 3 दिन से नहाए नहीं है, जय वाले देखिए आए 3 दिन से। ओ यार मेरी बात, नुब्रा एंड श्योक वैलीज एडोब ऑफ सियाचिन वॉरियर्स। जय हिंद।